Assalamu alaikum, my name is Danish Malik and today the topic of my presentation is online business success and what are its failures. Basically, आजकल online business जैसे कि Amazon है उसका trend चल रहा है, तो हर बंदा जो है वो यही कोशिश करता है कि वो ये काम सीखे, क्योंकि ये एक virtual skill है जो हम कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं और इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए भी, और हम इजीली घर बैठे ऑनलाइन डॉलर्स अर्न कर सकते हैं किसी भी मुल्क से। लेकिन इसमें मसला ये है कि बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये स्किल्स सिखाती हैं और प्रॉपरली वो इसका उन्होंने सेटअप रखा हुआ है और कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है जिनमें, ये बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं इस स्किल के रिलेटेड। हालांकि स्किल देखा जाए तो बहुत ही वास्ट स्किल है और इसके बहुत एडवांटेजेस हैं जो हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम यहाँ बैठे पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, पाकिस्तान के रेवेन्यू को भी और इसकी इकॉनमी को भी। सबसे पहले हम बुलाते हैं उसामा काजी को कि उनका इस फील्ड के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी उसामा भाई, वालेकुम सलाम। तो एक्चुअली मुझे एक दोस्त ने इन्फॉर्म किया था कि एक सेंटर है हमारे दरबार में, तो मैं उधर चला गया था विदाउट एनी रिसर्च, और फिर मेरा जो है क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे उनके पास, तो इट वाज अ वेरी मतलब पहले दिन ही पता चल गया कि सेंटर सही मतलब नहीं, मैं नहीं सीख सका, कुछ भी सीख नहीं पा रहा था और बिल्कुल जो है ना आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सही सही। तो अब जैसे अब एनेबलर्स हैं और एक्सट्रीम कॉमर्स हैं जी जी, अब उनकी अब वो इस पिंडी में है, अब तो इस वजह से मैं कह रहा था वाकेंड में कोई करीब हो जाए, तो इस वजह से ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे कि इनकी ये सिचुएशन है, इनको कोई वैलिड इंस्टीट्यूशन जो इनके घर के पास इन्हीं के टाउन में हो वो नहीं मिल सका, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे रीजन में। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एक्सट्रीम कॉमर्स है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है और इनेबलर्स है, लेकिन मसला ये है कि इनकी ब्रांचेज हमारे टाउन से काफ़ी दूर हैं और काफ़ी आने जाने के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये वेरीफाइड और बेसिक लीगल आप कह सकते हैं कि जिनसे हमें कोई चांस ऑफ फेलियर नहीं है, इनमें हम इजीली अच्छे से अच्छा अपनी स्किल जो है अपनी स्किल पॉलिश कर सकते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं एक्सट्रीम कॉमर्स, इनेबलर्स और ई कॉमर्स सक्सेस, ये पाकिस्तान की टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें ये स्किल सिखाती हैं और बहुत ही एक मखसूस टाइम में, ना ये मैं कह सकता हूँ कि बड़े जल्दी आपको ये स्किल सिखा देंगे, नहीं ऐसी बात भी नहीं है, और बड़ा टाइम लगा के भी आप ये स्किल सीखेंगे और बड़े अरसे में जाके आप अपना फर्स्ट डॉलर अर्न करेंगे, ऐसे भी नहीं है। तो आए हम अब दानियाल साहब से मिलते हैं कि उनका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अभी तक तकरीबन पिछले 6 महीनों में 8 लाख रुपए इससे कमाया और काफी ऐसी चीजें अर्न की हैं जो कि मेरे पास पहले नहीं थी। अच्छा ठीक है। और मतलब GS150 बाइक ली है और आईफोन लिया है, ठीक है, तो उसके अलावा भी काफी चीजें मैंने अर्न की हैं। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान पहले फुल रिसर्च करे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कि यार उसने कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है, क्या उसने फ्रीलांसिंग करनी है या कोई बिजनेस करना है, पहले अपनी नीच सेलेक्ट करे, उसके बारे में फ्री ऑनलाइन यूडेमी से और यूट्यूब से कोर्सेज करे, और जब उसको उनमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़े तो तब वो किसी मेंटोर से रابطہ करे, और मेंटोर उससे रابطہ करे जो खुद जिसने ये काम किया हो, ठीक है। हमसे अक्सर मेरे साथ कई दोस्त हैं वो सीधा उठते ही साथ ही लोगों के पास चले जाते हैं जी, जिन्होंने एड्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे डुबो देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो उसने बताया है वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने कोर्स खींचने ना, तो मेंटोर के पास तब जाएं जब आप किसी में एक्सपर्ट हो जाए और आपको गाइडेंस की जरूरत हो। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने इनकी राय देखी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो इनका यही कहना है कि हमें प्रॉपर एक रिसर्च करनी चाहिए, जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हों तो हम प्रॉपर रिसर्च करके कि हम किस इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं, उसके क्या रिव्यूज़ वगैरह, तब जाके हम किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स सीखते हैं। अब हम फरहान साहब से पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है।
ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? ऑनलाइन बिजनेस देखें, लर्निंग के हिसाब से तो मैंने अभी उस तरह कोई इसको ज्वाइन नहीं किया। अमेज़ॉन का मेरा जहन था कि करूँगा FBA और इसमें रिपोर्ट, पर अभी उस तरह मैंने कोई इसमें सर्च नहीं की। सही, बाकी इसमें यह है कि किसी भी आप अगर नई चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं तो पहले उसका बेस नॉलेज और बैकग्राउंड समझना लाजमी है। इसको समझने के बगैर आप, मेरे एक दो तीन दोस्त हैं वो गए हैं इस तरह ही, उनके ऑनलाइन रब्ता हुआ है किसी के साथ, तो उन्होंने पता नहीं इस तरह सिखाया, उनके अकाउंट बैन हो गए हैं, बहुत सारे डॉलर तो उनको नुकसान हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि इसमें पहले अकाउंट में बैलेंस शो करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ है ऐसे ही। बाकी ऑनलाइन बिजनेस से बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में देख लें आप, दराज है, अमेज़ॉन तो चले अभी उस तरह पाकिस्तान जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसके लिए पहले वर्कशॉप्स लाजमी है, अमेज़ॉन को चाहिए पाकिस्तान में वर्कशॉप्स करें, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर लें, इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, तो पहले आपको दराज के इस तरह एड्स आएंगे, अमेज़ॉन को इस तरह नहीं आते। बिल्कुल, तो इसके लिए ज़रूरी है पहले डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए इसकी, इसको पाकिस्तान में थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने डिफरेंट लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं और उनसे उनकी इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में राय ली है, तो इससे मैं तो यही कंक्लूड करता हूँ कि हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से हमें फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस काम में कोई फ्रॉड नहीं है, असल में हम कोई बंदा गलत चूज कर लेते हैं या कोई गलत इंस्टीट्यूशन चूज कर लेते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड कर देता है। काम में फ्रॉड नहीं है, बंदा असल में गलत होता है जो हमें हमारे पैसे भी ले लेता है और कोर्स भी जो वो कराता है वो भी प्रॉपर ऑथेंटिक कोर्स नहीं होता। तो इस ऑनलाइन बिजनेस में जैसे कि अमेज़ॉन है, ईबे है और दराज है, इस तरह की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें हमें प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद जो है तो स्किल जो भी हम सीख रहे हैं, इनमें डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्किल्स हैं, सिर्फ एक स्किल नहीं है, VA है, PL है, इस तरह PL आप PL भी कर सकते हैं, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, इस तरह होलसेल भी है और ड्रॉप शिपिंग भी है, और इसके अलावा अमेज़ॉन में आप किंडल का कोर्स भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है, डिफरेंट उसकी स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं और इजीली घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस काम में कोई फ्रॉड वगैरह, ये बेसिकली इसको इन डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं हमारे पाकिस्तान में कुछ लोगों की जो जिनके साथ ये फ्रॉड वगैरह हुए हैं, बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारा पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है। तो मैं जाते जाते एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचेगी उनको ये मैं एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप अपने मुल्क के लिए बेइज्जती का सबब ना बनिए और सब मिलके काम करें और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है स्प्रेड करें ऑनलाइन बिजनेस को, ताकि हमारा मुल्क भी इंडिया की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकॉनमी डेवलप कर सके। बहुत शुक्रिया।